लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है, मैं दिव्या शुक्ला। बढ़ते हैं फटाफट खबरों की ओर। झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में फतेहपुर ओवरब्रिज के नीचे सड़क किनारे खड़े पति पत्नी को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, दोनों हुए गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष अरुण कुमार तिवारी ने दोनों घायलों को सीएससी मोट में कराया भर्ती। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी के दिशा निर्देश में मिशन शक्ति अभियान फेज 4 व शक्ति दीदी अभियान के तहत थाना बवीना में नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के तहत महिलाओं को एकत्रित कर सरकारी योजनाओं से कराया अवगत। अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बवीना पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। एक अभियुक्त गढ़ को एक तमंचा, 315 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस, 315 बोर सहित किया गिरफ्तार। ललितपुर में बानपुर मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार में मारी जोरदार टक्कर, जिसमें दो लोग हुए गंभीर रूप से घायल, जिसमें एक की मृत्यु हो गई, वहीं दोनों घायलों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। ललितपुर में हाईवे पर तालवेट पुलिस व बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, जिसमें बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया। वहीं जवाबी फायरिंग में पुलिस ने फायर किया तो बदमाश के पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि दो दिन पहले हुई चोरी की वारदात को अंजाम दिया था इन बदमाशों ने। बदायूं के वजीरगढ़ में चौकीदार की हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में ट्यूबवेल मालिक समेत 3 लोगों ने पीट पीट कर चौकीदार की कर दी थी हत्या। वहीं घटना की वजह रुपयों के लेन देन में शराब पीकर झगड़ा बना है। कानपुर के नरवल थाना क्षेत्र अंतर्गत अबकारी विभाग व पुलिस टीम ने अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अवैध शराब पर की छापेमारी की कार्रवाई, साथ ही 4 आरोपियों को किया है गिरफ्तार, जिनके खिलाफ पुलिस ने अबकारी एक्ट में मामला किया है पंजीकृत।